शादी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अभी हम लोग क्वेश्चंस नहीं करने वाले, अभी हम लोग करने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट ये चैप्टर किसने दिया है, जे एफ केन्स ने, जॉन मैनार्ड केन्स ने दिया है। 1936 में उनका एक बुक था, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि क्वेश्चन बुक और ऑथर से भी आते हैं। ठीक है, तो आपको अगर पूछा जाए कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किसने दिया है, तो नाम याद रखिए जे एम केन्स ने दिया, 1936 में दिया। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ये जो थ्योरी है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक चीज देखी जाती है, यहाँ पे देखा जाता है रिलेशनशिप बिटवीन, ये मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस पीपल, प्रेफरेंस ऑफ पीपल टू होल्ड कैश, प्रेफरेंस ऑफ पीपल टू होल्ड कैश। ठीक है, तो इस जो थ्योरी यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में देखा जाता है रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ पीपल टू होल्ड कैश। ठीक है, ये जो थ्योरी है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन की जाती है दो तरीके से, दो चीजों से, एक है मनी सप्लाई से, दूसरा मनी डिमांड से। ठीक है, अगर हम बात करें मनी सप्लाई, देखिए दो चीजों से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, या इंटरेस्ट रेट, बात एक ही है। ठीक है, जब हम लोग पैसे कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट क्या होता है, एक तरह का रिवार्ड होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को पढ़ेंगे। ये जो थ्योरी है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डिटरमिन होगा दो चीज़ों से, मनी सप्लाई से और मनी डिमांड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मनी डिमांड, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं डिमांड फॉर मनी, मनी डिमांड, या फिर आप इसको बोल सकते हैं डिमांड फॉर मनी। ठीक है, डिमांड फॉर मनी, यहाँ पर पैसे क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। देखिए इस थ्योरी में क्या है कि पैसे को खर्च नहीं करना, उसे होल्ड करके रखना है। क्यों होल्ड करके रखना है, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर डेली के एक्सपेंसेस के कारण। तो बहुत सारे रीजन से हम लोग क्या करते हैं, पैसों को, मतलब लोग हैं बहुत सारे रीजन से पैसे खर्च नहीं करते, उसको अपने पास होल्ड करके रखते। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे डिमांड फॉर मनी। अब ये जो डिमांड फॉर मनी है इसके तीन पर्पस होते हैं, या तीन मोटिव होते हैं। इसके क्या होते हैं, तीन मोटिव। फर्स्ट इज ट्रांजेक्शन मोटिव, ठीक है, ट्रांजेक्शन, फर्स्ट इज ट्रांजेक्शन मोटिव। फर्स्ट मोटिव क्या है, ट्रांजेक्शन मोटिव, इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो ट्रांजेक्शन मोटिव होता है ये क्या होता है, ट्रांजेक्शन मोटिव की अगर हम बात करें, ट्रांजेक्शन मोटिव ये क्या होगा, फंक्शन होगा इनकम का। ठीक है, जितने भी आपके डेली के खर्चे हुए, डे टू डे के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे आपके ट्रांजेक्शन मोटिव के अंदर आते हैं। ठीक है, किसमें आते हैं, मतलब डेली के जितने भी खर्चे, मान लीजिए रॉ मटेरियल का खर्चा हो गया, या फिर आपको लेबर को वेजेस देना, डेली देना है, तो डेली के जो खर्चे होते हैं, डे टू डे के जो एक्सपेंस होते हैं, वो आपके ट्रांजेक्शन मोटिव के अंदर आएंगे। ठीक है, अब हम बात करें प्रिकॉशनरी मोटिव की। सेकेंड इज प्रिकॉशनरी, प्रिकॉशनरी, सेकेंड इज प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव में हम लोग फ्यूचर अनसर्टिनिटी को देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, फ्यूचर अनसर्टिनिटी, मतलब कि फ्यूचर में, सपोज करिए फ्यूचर में ऐसा हो जाए, जैसे किसी कोई बीमारी हो, डिसीज हो, किसी का एक्सीडेंट हो, या फिर मैरिज हो, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैसे को खर्च नहीं करते, उसको हम लोग होल्ड करके रखते, पैसे को अपने पास रखते हैं। ठीक है, या फिर कहीं सेविंग करके रखते। तो ये हम लोग फ्यूचर में किसी दुर्घटना या कोई भी फ्यूचर में कुछ भी अनसर्टिनिटी हो, इसके लिए पैसे को खर्च नहीं करते, अपने पास होल्ड करके रखते। ठीक है, तो मैरिज हो गया, या फिर डिसीज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैसे बचा के अपने पास रखते। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मोटिव, ट्रांजेक्शन मोटिव, जो डे टू डे खर्च है उसके लिए पैसे रखते। प्रिकॉशनरी मोटिव, फ्यूचर अनसर्टिनिटी के लिए पैसे बचा के रखते हैं। ठीक है, और थर्ड मोटिव है स्पेक्युलेटिव मोटिव, उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक डायग्राम बनेगा लिक्विडिटी ट्रैप का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट।
ये बात हम लोग देखेंगे स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। ठीक है, स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होता है? पीपल यहाँ पे विश टू होल्ड कैश या मनी। ठीक है, वो जो पैसे है उसको वो होल्ड करना चाहता है, वो इसलिए होल्ड करना चाहता है ताकि वो फ्यूचर में अलग अलग पर्पस में पैसे लगा सके, इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेक्युलेटिव मोटिव में जो कैश है उसको होल्ड करना है पीपल को। ठीक है, क्योंकि वो जो फ्यूचर में वो उस पैसे को इन्वेस्ट कर सके, फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सके अलग अलग पर्पस से, बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं। ठीक है, जिससे कि फ्यूचर में उसको प्रॉफिट हो, जैसे कि बॉन्ड में पैसे लगा दिए तो फ्यूचर में उससे क्या होगा, एडवांटेज होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए, ये जो स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी है, ये फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ये किसका फंक्शन है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का। इसके पहले हम लोग ने पढ़ा ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी और प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, दोनों फंक्शन है इनकम का, लेकिन स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी ये फंक्शन होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाई होगा तो स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होगा, लो होगा। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगा तो स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होगा, हाई होगा। ये दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन बोल सकते हैं, ये दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन। ठीक है, अपोजिट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन या नेगेटिव रिलेशन आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी घटता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है तो स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए, ये एक डायग्राम है, यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगा, लिक्विडिटी ट्रैप। क्या मिलेगा? लिक्विडिटी ट्रैप। देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये OM1 OM2, ये आपका क्या है, स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी, और देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या OR है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा, देखिए OR से OR1 OR2, ये क्या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो नीचे में देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका अगर बढ़ता है, देखिए यहाँ पे देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका बढ़ेगा आर से R1 R2, तो आपका जो स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी है ये आपका क्या होगा, घटेगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम लोग घटा के देखते हैं तो स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। ठीक है, ई पॉइंट क्या आपका इक्विलिब्रियम है, ये परफेक्टली इलास्टिक है, इलास्टिसिटी यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका क्या है, लिक्विडिटी ट्रैप, ये क्या है, लिक्विडिटी ट्रैप। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट बहुत लो होगा और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगा, इनइफेक्टिव हो गया, और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो गया, स्टिमुलेट हो गया यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो ये आपका क्या है, लिक्विडिटी ट्रैप है, ये क्या होगा आपका हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, ये क्या है आपका, यहाँ से आपका जो कर्व है वो हॉरिजॉन्टल हो गया, यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक था, यहाँ पे पॉइंट ई के बाद क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक, और ये कर्व क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और आप देख सकते हैं लिक्विडिटी ट्रैप का मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा है कि लिक्विडिटी ट्रैप ऑकर्स तब होगा जब इंटरेस्ट रेट काफी लो होगा, मतलब ओआर रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी पीपल इन्वेस्ट करना, मतलब नहीं ओआर रेट ऑफ इंटरेस्ट में पीपल कैश को अपने पास होल्ड करके रख रहे हैं, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी ट्रैप हो जाएगा, मतलब मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट या लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी पीपल क्या कर रहे हैं, पैसे को होल्ड करके अपने पास रख रहे हैं। ठीक है, वो उसे खर्च नहीं कर रहे, इन्वेस्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये सब हम लोग ने जो पढ़ा, ये डिमांड साइड। ठीक है, ये हम लोग डिमांड में देख रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग सप्लाई की तरफ देखेंगे, ये हम लोग का डिमांड साइड था, अब हम लोग सप्लाई की साइड का देखेंगे। सप्लाई में एक हमारा देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया है सप्लाई साइड का। इसके पहले हम लोग ने जो भी पढ़ा वो डिमांड फॉर मनी पढ़ा। ठीक है, कि ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने डिमांड साइड देखा, अब हम लोग देखेंगे सप्लाई साइड। देखिए सप्लाई साइड में क्या हो रहा है, एक डायग्राम है आपका सप्लाई साइड का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक्स एक्सिस में मनी सप्लाई मनी डिमांड दिया हुआ, एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, मनी सप्लाई और मनी डिमांड। ठीक है, वाई एक्सिस में मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रेट बात देखी है। ठीक है, देखिए ई पॉइंट पे क्या होगा, मनी सप्लाई के इक्वल होगा मनी डिमांड। ठीक है, ई पॉइंट पे क्या होगा, मनी सप्लाई के इक्वल मनी डिमांड।
ठीक है। और ई पॉइंट से अगर हम लोग नीचे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मनी डिमांड आपका बड़ा है मनी सप्लाई से, और ई पॉइंट के ऊपर देखेंगे तो क्या होगा, मनी सप्लाई आपका बड़ा है मनी डिमांड से, ठीक है। तो ये आपका देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओ आर रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको क्या मिला, इक्विलिब्रियम मिला, जहां पे मनी सप्लाई के बराबर मनी डिमांड होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम ऊपर गए ओ आर रेट, ओ आर वन मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हाईएस्ट होगा, ज्यादा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, उस समय जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ओ आर से ओ आर वन हो गया, इस सिचुएशन में मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई ज्यादा है मनी डिमांड कम, ठीक है, मनी सप्लाई इज ग्रेटर देन मनी डिमांड। अगर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा लोअर है, बहुत लो है, ओ आर जीरो है, ठीक है, इक्विलिब्रियम से नीचे है, इस सिचुएशन में क्या होगा, मनी डिमांड ज्यादा होगा इस कंपेयर टू मनी सप्लाई, ठीक है। तो ये हम लोग का सप्लाई साइड का था, इसके पहले हम लोग ने जो देखा वो हम लोग ने डिमांड साइड देखा, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी का, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग मिलेंगे लिंक वीडियो में, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।